उत्तर प्रदेश से काफी लोग उत्तर प्रदेश छोड़कर देश के अनेक भागों में रोजगार के लिए जाते थे। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में भी काफी दिक्कतें थी, पर योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल गई और आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है कि गुनहगार कोई भी हो वो आज किसी प्रकार की हिम्मत नहीं कर सकता। ऐसा प्रशासन योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में निर्माण हुआ है। देश की पूरी जनता इस बात के लिए योगी जी को धन्यवाद देती है। उत्तर प्रदेश में एक प्रमय इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट नहीं होती थी, अब लाखों करोड़ वहां इन्वेस्टमेंट आ रही है और उत्तर प्रदेश की विकास की गति बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी जिन तीन उद्दिष्टों को लेकर चलती है, वो पहला, हमारा पहला आत्मा अगर कोई है तो राष्ट्रवाद ही हमारे विचारों का सबसे महत्वपूर्ण थिंकिंग है। राष्ट्रवाद हमें सर्वोपरि है। हमारी इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, इसके आधार पर राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से कार्य करना, यही प्रेरणा हमको हमारी विचारधारा से मिली है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, सुशासन और विकास। इन दोनों बातों में भी विशेष रूप से मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार में और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार में एक नया परिवर्तन जनता ने अनुभव किया है। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमारे लिए जो अंत्योदय के रूप में सामाजिक आर्थिक चिंतन दिया है कि हमारे समाज के जो दलित है, पीड़ित है, शोषित है, जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और उसकी हम निरंतर सेवा करते रहे और जिस दिन उनको रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। ये सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय का ये हमारा उद्दिष्ट है। मुझे बहुत खुशी है कि योगी जी के नेतृत्व में आज किसान समाधानी है, वहां चीनी मिले हैं, एक एक साल बकाया नहीं देती थी पर आज किसान को तुरंत पैसे मिल जाते हैं। इथेनॉल की इकोनॉमी वहां डेवलप हुई है और जिसके कारण उत्तर प्रदेश के भविष्य में काफी बड़ा परिवर्तन हो रहा है, होते हुए दिख रहा है। ऐसे एक यशस्वी मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के एक ज्येष्ठ नेता, हमारा विचार जो है हिंदुत्व का, हमारी आस्था जिसके साथ है और जिनके नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, उस कार्य को योगी जी ने, रोड तो अच्छे बने ही पर उसके साथ साथ अयोध्या सर्किट के रूप में रोड बने, रेलवे स्टेशन बना, एयरपोर्ट बना और योगी जी ने पूरे अयोध्या को एक ऐसे नगरी में विकसित किया है कि देश के आदर्श शहरों में अब अयोध्या का नाम ले लिया जाएगा। दुनिया भर से पर्यटक वहां आ रहे तीर्थाटन के लिए और ऐसे योगी जी आज हमारे महाराष्ट्र में
वर्धा और भंडारा दो लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने सभाएं की है और आज वो नागपुर में आए हैं। उनके विचार आप सबको सुनना है। मैं आप सब लोगों का विशेष रूप से आभारी हूं कि आपने 10 साल मुझे आशीर्वाद दिया और आपके आशीर्वाद के कारण ही मैं मोदी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री बना। इस देश के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, देश में किसी भी कोने में आप जाएंगे तो आपको अच्छे रोड मिलेंगे, ये कार्य करने का सौभाग्य मुझे मिला। बहनों और भाइयों, 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए और मुझे, जबकि मैं विद्वान नहीं हूं, मुझे 9 डिलीट्स डॉक्टरेट्स मिली अलग अलग यूनिवर्सिटी की। सोशल मीडिया में, पाश्चात्य देशों में भी बड़े प्रमाण पर लोग मुझे फॉलो करते हैं, 4.5 करोड़ लोग फॉलो करते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि ये सब क्यों हो सका। ये मेरे कारण नहीं हुआ, ये नागपुर की जनता ने मुझे चुनकर दिया, सांसद बनाया और उसके कारण मुझे ये यश मिला। इसका श्रेय अगर किसी को है तो नागपुर की जनता को है, मेरे सामने बैठे हुए भाई और बहनों को है। इस 10 साल में 1,00,000 करोड़ रुपए के काम नागपुर लोकसभा क्षेत्र में हुए हैं। केवल रोड ब्रिजेस नहीं बने हैं तो दुनिया का आकर्षण ऐसा म्यूजिकल फाउंटेन बना हुआ है। एक ही पिलर पर नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर और उसके ऊपर में मेट्रो, ये रिकॉर्ड भी नागपुर में हुआ है। हिंदुस्तान में 24/7 योजना और लगभग 60 से 70% जनता को 24 घंटे पानी मिलता है, ये देने वाला पहला शहर कोई है तो नागपुर शहर है। हमारा जो टॉयलेट का गंदा पानी है वो शुद्ध करके महाराष्ट्र सरकार के कोराडी और खापरखेड़ा पावर प्रोजेक्ट को हम देते हैं और जिससे 300 करोड़ रुपए महानगर पालिका को आमदनी होती है, ऐसा पहला शहर नागपुर है। ये टाइगर कैपिटल है, नागपुर से 3.5 घंटे के अंतर पर 350 टाइगर है और इसलिए दुनिया के लोग इस शहर में आते हैं। केवल इतना ही नहीं तो नागपुर देश का हृदय स्थान है, 0 माइल नागपुर में है और इसलिए देवेंद्र जी ने 1200 करोड़ रुपए दिए हैं और देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क हम नागपुर में बना रहे हैं। नागपुर एविएशन का हब है, एयरबस और बोइंग के 1200 पार्ट को तैयार करने वाली टाल की कंपनी मीहान में है और हमारी देश की सुरक्षा करने वाला राफेल जेट डोसाल्ट कंपनी जो फ्रांस की है वो 250 राफेल जेट नागपुर में बन रहे हैं। आज अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आज मैंने देखा कि इंडिगो के 8 फ्लाइट लाइन में खड़े थे क्योंकि एमआरओ जो एयरप्लेन का मेंटेनेंस होता है वो नागपुर में, सब इंडिगो के विमान आती है, एयर इंडिया के विमान एमआरओ में आती है, ये एविएशन का हब बन चुका है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि नागपुर अनेक विशेषताओं से विशेष रूप से देश के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। समय की कमी है, आप तो मेरा भाषण हर समय सुनते हैं, आज योगी जी का भाषण आपको सुनना है और योगी जी से प्रेरणा लेकर आप सब, तो मैं ये प्रार्थना करने वाला हूं कि इस चुनाव में हमारे क्षेत्र में 75% वोटिंग होगा, इसका संकल्प आप सबको करना है
और 75% जो वोटिंग होगा उसमें से 80% वोटिंग कमल के फूल पर मिलना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी है। मेरा विश्वास है कि अगर 75% वोटिंग हुआ तो आपके आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाओं के साथ मैं कम से कम 5 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतूंगा। चुनाव तो जीतने वाला हूं, आप लोगों में जो उत्साह है, जो लोगों का समर्थन है, आज मैं शहीद चौक इतवारी गांधीबाग में प्रचार फेरी में था, कोई रेस्टोरेंट वाला लस्सी लेके आ रहा था, कोई और कोई फ्रूट्स लेके आ रहा था, कोई गन्ने का जूस लेके आया था, कोई काजू किशमिश लेके, इतना रश था कि मेरे बाजू में खड़े हुए लोग कह रहे थे ये प्रचार अभियान नहीं है, ये तो चुनाव के जीत की बड़ी शोभा यात्रा हो रही है। मुझे विश्वास है कि इस शहर में मेरा जन्म हुआ, इस शहर में मैं छोटा से बड़ा बना हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैंने यहां पोस्टर चिपकाने का काम किया है, दीवालों पर लिखने का काम किया है, और मुझे खुशी है कि अंतिम पंक्ति पर काम करने वाला एक कार्यकर्ता जिसकी मां बाप एमएलए एमपी नहीं थे, ऐसा एक सामान्य कार्यकर्ता जिस कुर्सी पर अटल बिहारी वाजपेयी बैठे उस पर बैठने का मुझे मौका मिला, क्योंकि ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और मुझे बहुत खुशी है कि आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाएं और लोगों का विश्वास, ये राजनीति में सबसे बड़ी पूंजी होती है। मैं बहुत बार इस बात को दोहराता हूं कि ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स। मैंने 45,000 से ज्यादा हार्ट के ऑपरेशन मुफ्त करके दिए, 350 लोगों को जर्मनी और लंदन से लाकर पैर लगा दिए जो फुटबॉल खेलने लगे और बुलेट चलाने लगे। मुझे खुशी है 1 लाख लोगों के आंखें जांच इस लोकसभा क्षेत्र में हुए, इतना ही नहीं तो 25,000 लोगों को सस्ते में चश्मे मिले, करीब 15,000 से ज्यादा कैटरेक्ट के ऑपरेशन हुए और करीब 1,13,000 दिव्यांग और सीनियर सिटीजन को अनेक प्रकार का साहित्य देने का पुण्य का काम करने का सौभाग्य हमें मिला। कोविड के समय 100 करोड़ रुपए का साहित्य केवल नागपुर में नहीं तो पूरे विदर्भ तक हमने पहुंचाया। ऑक्सीजन की कमी थी, एयरफोर्स के हवाई जहाज में ट्रक को डालकर विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर लेके गए और ऑक्सीजन लाकर यहां केवल नागपुर नहीं तो विदर्भ के और महाराष्ट्र के लोगों की जान बचाने का हमने काम किया।